इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा रेलवे ग्रुप डी एग्जाम थर्ड फेज में पूछे गए जीके के 100+ सभी क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, टॉपिक वाइज जीके के वीडियो देखने चाहते हो, सभी टॉपिक में 50+ क्वेश्चन का वन लाइनर्स क्वेश्चन का वीडियो है, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट का लिंक। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक्स आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन भी आपके बार बार पूछे जा रहे हैं रिपीट होके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। डेली रेलवे ग्रुप डी एग्जाम एनालिसिस आपको इसी चैनल पर करवाया जाता है। पहला क्वेश्चन, संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन किस देश से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन आपके यूएसए देश से लिया गया है। ये टॉपिक संविधान का जो हुआ, अनुच्छेद हुआ, अनुसूची हुई, या फिर भाग हुआ, या कोई पार्ट किस देश से लिया गया, ये टॉपिक आपके बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए आप ये टॉपिक पूरी तरह से कवर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है? जैसे कि थर्ड फेज में एक बार एक और क्वेश्चन पूछा गया था जैन धर्म के 24 तीर्थकर कौन है, तभी मैंने आपको बता दिया था कि प्रथम तीर्थकर भी आप याद कर लीजिए, हो सकता है आगे की शिफ्टों में पूछ ले और पूछ भी लिया गया है आपको। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर आपके हैं ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी वो मैं वीडियो में बता दूंगा आपको, पीडीएफ भी अवेलेबल करवाई जाएगी। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत का सबसे ठंडा स्थान आपके जम्मू कश्मीर में द्रास जगह है, वो सबसे ठंडा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सेब का सबसे अधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अगर राज्य का पूछे तो सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है सेब का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 2014 में कौन सी माइक्रो फाइनेंस कंपनी को यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बंधन बैंक को यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस मिला है 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसी महलनोबिस मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना है? जैसे कि सेकंड फेज में आपको पूछा गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, वही क्वेश्चन को उल्टा घुमाकर पूछ लिया थर्ड फेज में कि पीसी महलनोबिस मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यानी कि आपके पंचवर्षीय योजना से भी टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए आप पंचवर्षीय योजना टॉपिक भी पूरी तरह से कवर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, चिपको आंदोलन आपके वन संरक्षण से संबंधित था। इतने दिन तो आपको आंदोलन पूछा जाता था कि यह आंदोलन कब हुआ, अब आपसे पूछे जा रहा है कि यह आंदोलन किससे संबंधित है, इसलिए आप सभी आंदोलन देख ले कौन सा आंदोलन किससे जुड़ा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी संस्कृत कहाँ पर स्थित है? जैसे कि फर्स्ट फेज और सेकंड फेज से अलग हट के थर्ड फेज में ये टॉपिक ऐड कर दिया गया है कि कोई भी यूनिवर्सिटी आपको पूछी जा रही है कहाँ पर स्थित है, या फिर पूछेगी इसकी स्थापना कब की गई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी संस्कृत आपके केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक 2021 में किस टीम को हराकर भारतीय हॉकी टीम ने पदक जीता है? जैसे कि ओलंपिक 2021 पर एक बार मैंने और आपको वीडियो बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था, लेकिन किस टीम को हराकर? तो जर्मनी टीम को। फर्स्ट फेज में यही क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इसमें यह पूछा गया था कि भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है, तब आपका राइट आंसर कांस्य था, लेकिन इस बार पूछ लिया है किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता है, तो आपका राइट आंसर जर्मनी हो जाएगा। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल 7 मेडल जीते हैं, जिसमें एक गोल्ड था, 2 रजत थे और पीछे बचे 4 कांस्य पदक थे। गोल्ड पदक कौन लेके आए हैं? नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनईपी की फुल फॉर्म क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यूएनईपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन है? यहाँ पूछ रहा भारतीय महिला में नाविक पहली, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक है नेत्रा कुमानन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामानुजन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? ये क्वेश्चन आपके दो बार पूछा जा चुका है थर्ड फेज में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, रामानुजन पुरस्कार 2022 आपके नीना गुप्ता को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिए कौन सा एक्ट अधिनियमित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिए पंचायत उपबंध अधिनियम 1996 एक्ट अधिनियमित किया गया, यानी कि आपके एक्ट से भी क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। मैंने पहले भी बता चुका हूँ, एक्ट से टॉपिक से आप जितने भी एक्ट है आप देख लीजिए कौन सा एक्ट किससे संबंधित है इस टॉपिक से।
गुरु पर्व किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु पर्व आपके गुरु नानक की जयंती पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2022 में कितनी वंदे भारत ट्रेन के निर्माण की घोषणा की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय बजट 2022 में घोषित किया गया उसमें 400 वंदे भारत ट्रेन के निर्माण की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है? ये एक और टॉपिक आजकल बहुत पूछा जा रहा है, किसी भी खिलाड़ी का नाम लेकर पूछ लेते हैं किस खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन भी थर्ड फेज से स्टार्ट हुए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वंदना कटारिया का संबंध आपके महिला हॉकी टीम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया? जैसे कि आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ अनुच्छेद टॉपिक से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आप ये टॉपिक पूरी तरह से कवर कर दीजिए। शिक्षा का अधिकार आपके अनुच्छेद संविधान भारतीय संविधान के 21A से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये टॉपिक आपके बार बार रिपीट हो रहा है, त्यौहार के बारे में कोई भी त्यौहार किस राज्य से संबंधित है ये टॉपिक भी आप कवर कर लीजिए, हर शिफ्ट में एक ना एक त्यौहार का नाम पूछ ही लिया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोल उत्सव आपके पश्चिम बंगाल राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपको पता है चार वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो उसमें सबसे प्राचीन वेद आपका जो पहला वेद है वही सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में पंचायती राज मंत्री कौन है? भारत में वर्तमान में कौन क्या है, इस टॉपिक से भी हर शिफ्टों में क्वेश्चन बनते हैं, तो आप ये टॉपिक कवर कर लीजिए पूरा। भारत में वर्तमान में कौन क्या है, जैसे कि यहाँ पूछा गया वर्तमान में पंचायती राज मंत्री कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल लीग की स्थापना किसने की है? यहाँ पर सिर्फ होम रूल लीग की स्थापना की है, ये नहीं पूछा गया कि पुणे वाली या मद्रास वाली, इसलिए आपका राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक होगा। अगर पूछे पुणे में होम रूल लीग की स्थापना किसने की, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, और अगर मद्रास में पूछे होम रूल लीग की स्थापना किसने की, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाऊमोली चोटी कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दाऊमोली चोटी आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? आप देख सकते हो अनुच्छेद से कितने क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक का उल्लेख आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में उल्लेख किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवरोज त्यौहार किस धर्म का है? फर्स्ट फेज में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पारसियों के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, और यहाँ उल्टा पूछ लिया है, त्यौहार का नाम दे दिया नवरोज त्यौहार और पूछ लिया किस धर्म का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पारसी धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच किसे नियुक्त किया गया? आप देख सकते हो भारत में वर्तमान में कौन क्या से एक सवाल और बन चुका है, भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान में नए कोच कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच बने राहुल द्रविड़। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है राहुल द्रविड़ से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिशन इंद्रधनुष आपके छोटों बच्चों के टीकाकरण से है। अब क्वेश्चन चेंज होने लगे, इतने दिन योजना पूछे थे कि कोई भी योजना कब लागू की गई है, लेकिन अब पूछ रहे वो किससे संबंधित है, जैसे कि मिशन इंद्रधनुष का पूछ लिया किससे संबंधित है, तो आगामी फेज में भी आपके ऐसा क्वेश्चन बन सकते हैं कि कोई भी योजना किससे संबंधित है, ये आप देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? जैसे कि सेकंड फेज में यही क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि 2004 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, और इसी क्वेश्चन को घुमाकर अब पूछ लिया गया है तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष तक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को अभी 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया था हाल ही में, जो अब 30 सितंबर 2022 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता देवी ने किन पेड़ों के लिए बलिदान दे दिया? ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो चुका है, सेकंड फेज में भी पूछा गया था कि अमृता देवी ने किन पेड़ों के लिए बलिदान दिया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमृता देवी ने खेजड़ी पेड़ों के लिए बलिदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब से चलाया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम आपके 1992 से 1993 चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान कौन सा महीना है? यह बात की गई है इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार, तो इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान का महीना होता है वो नवा महीना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई, आप आराम से नाम से स्पष्ट हो जाएगा कि अंतरिक्ष अनुदान क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कितने रुपये का शिशु लोन दिया जाता है? ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 3 तरह के लोन दिए जाते हैं, एक शिशु लोन, एक किशोर लोन, एक तरुण लोन,
तो हो सकता है आगे आगामी फेज में आपको पूछ ले किशोर लोन में कितने रुपए दिए जाते हैं या तरुण लोन में कितने दिए जाते हैं, इसलिए मैं आपको तीनों में बता देता हूँ कितने कितने रुपए दिए जाते हैं। तो शिशु लोन में आपके 50,000 रुपये दिए जाते हैं, किशोर लोन में आपके 50,000 से लेकर 5 लाख तक दिए जाते हैं, और तरुण लोन में आपके 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपये तक दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस नदी को पुनर्जीवित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में अरवरी नदी को पुनर्जीवित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेनों को टक्कर से बचाने के लिए रेलवे ने किसका परीक्षण किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेनों को टक्कर से बचाने के लिए रेलवे ने कवच का परीक्षण किया। तो आगामी एग्जाम में आपको ऐसे भी ये क्वेश्चन घुमाकर पूछ सकते हैं कि रेलवे ने कवच का परीक्षण किसके लिए किया? तो ट्रेनों को टक्कर से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2021 में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2021 में विनू माकड़ को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में उच्च न्यायालय की स्थापना आपके 1950 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे वो पंचायती राज व्यवस्था का अनुच्छेद पूछे, चाहे अनुसूची पूछे, चाहे कौन से भाग में है, या फिर उसका चुनाव कौन करवाता है, या किससे संबंधित है, कैसा भी क्वेश्चन आपके बार बार पूछा जा रहा है। जैसे कि अब यहाँ पूछ लिया गया है पंचायत का चुनाव कौन करवाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंचायत का चुनाव आपके राज्य निर्वाचन आयोग करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? अब देखो, आपको पता है भारत में 6 शास्त्रीय भाषा है, याद रखने का आसान तरीका मैं आपको बताऊँगा, उसके अलावा जो भी ऑप्शन में होगा वो शास्त्रीय भाषा नहीं होगी। तो 6 में से 4 तो वो साउथ की सभी भाषाएं आप याद कर लो, और 2 अलग से कौन सी है वो आपको सिर्फ याद करनी है। यानी कि 4 साउथ की भाषा कौन सी? तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़। इसके अलावा संस्कृत और उड़िया याद रख लो, टोटल 6 शास्त्रीय भाषा है, यानी कि उड़िया, संस्कृत और 4 साउथ की भाषा, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसनाथ का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पारसनाथ का मंदिर आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्च 2022 में कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश थे ऋतुराज अवस्थी, जो कि अक्टूबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण विचार के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ण विचार के लेखक है स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना में विकास दर कितनी है? आपको पहले भी बता चुका हूँ पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो विकास दर का पूछे, चाहे वो किसी मॉडल का पूछे, या फिर कौन सी योजना कब लागू की गई है किसके बारे में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना में विकास दर आपके 3.6% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना 1998 हुई। अभी मैंने आपको बताया था कि थर्ड फेज में नया टॉपिक जुड़ा है, किसी भी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई या इसकी स्थापना किसने की या किस राज्य में स्थित है, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य आपका है नागार्जुन श्रीशैलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो आप देख सकते हैं अनुच्छेद से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पंचायत में महिलाओं को कितना आरक्षण मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में पंचायत में महिलाओं को आरक्षण मिलता है 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कल दिवस कौन सा राज्य मनाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्कल दिवस आपके उड़ीसा राज्य मनाता है, ऊ से उड़ीसा, ऊ से उत्कल याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो आपका आईसीसी के लिए एक अलग से वीडियो मैंने बनाया था आईसीसी महिला विश्व कप पर, तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था कि सबसे अधिक विश्व कप में भाग लेने वाली महिला खिलाड़ी है मिताली राज, और ये क्वेश्चन आपका रेलवे ग्रुप डी में भी पूछ लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेणुवन विहार किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वेणुवन विहार आपके त्रिपुरा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? कोई भी सभा हो या समिति हो या कोई समाज हो, उसकी स्थापना किसने की? यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, चाहे वो ब्रह्म समाज हो, आर्य समाज हो, रामकृष्ण मिशन हो, नौजवान भारत सभा पूछ लिया हो, कोई भी हो,
जैसे कि यहाँ पूछा गया नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नौजवान भारत सभा की स्थापना आपके भगत सिंह ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, 2-3 मिनट पहले भी मैंने आपको बताया था रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, और वही क्वेश्चन आपके रिपीट हो गया, यानी कि थर्ड फेज में एक ही क्वेश्चन दो बार पूछ लिया गया। युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 आपके नीना गुप्ता को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के आधुनिक संस्थापक कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म के आधुनिक संस्थापक है भगवान महावीर, जो कि 24वें जैन धर्म के संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध आपके महानदी पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपके अब नया ऐड हुआ है थर्ड फेज में, कोई भी बांध किस नदी पर स्थित है आप रिपीट सभी कवर कर लीजिए, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया त्योहारों के बारे में बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आप देख सकते हो अब यहाँ हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात कर दी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल आपके नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितनी स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था से भी मैंने कहा आपके क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, चाहे वो अनुच्छेद से पूछे, अनुसूचित से पूछे, भाग से पूछे, या फिर यहाँ इस तरह से स्तरीय पूछे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा बनाने वाला पहला राज्य बना तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत की पहली संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम युवा जलवायु चैंपियन बनी है प्राजक्ता कोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की पहली तेल खोज कहाँ की गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र भारत की पहली तेल खोज आपके असम राज्य में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत कब हुई है, आपके लिए अलग से एक टॉपिक लाया था मैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसमें ये क्वेश्चन मैंने डाला था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आज़ादी का अमृत महोत्सव आपका 12 मार्च 2021 की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वें हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित हुई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12वां हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2022 आपके भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन का उल्लेख किया गया, आप देख सकते हो अनुच्छेद से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान में वित्त आयोग का गठन का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो ये टॉपिक भी आपके बार बार पूछे जाते हैं, कोई भी योजना किस राज्य ने की है, यानी कि सभी राज्यों की योजनाएं आप देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पूछा मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना आपके असम राज्य ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और इसके अलावा नई दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। यह क्वेश्चन 4-5 बार की बार रिपीट हो चुका है, इसलिए आप याद रख लीजिए, क्योंकि हर बार कोई अलग ही राज्य का नाम देकर आपसे पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और नई दिल्ली, ये 4 जगह पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिबन भास्करी का संबंध किस खेल से है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कोई भी खिलाड़ी का नाम देकर आपको पूछा जा सकता है किस खेल से संबंधित है, तो यहाँ आप पूछ लिया गया है अधिबन भास्करी का संबंध आपके शतरंज खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त जीवनदायी किसके अंतर्गत पादपों और जंतुओं का, पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त जीवनदायी किसके जिसके अंतर्गत पादपों और जंतुओं का जीवन संभव होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जैवमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम औद्योगिक नीति आपके 1948 में लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतापीय पावर प्लांट कहाँ है, ये फर्स्ट फेज में आपको पूछा गया था क्वेश्चन, वापस रिपीट हो गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भूतापीय पावर प्लांट आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी उम्र तक के बाल अपराधियों को बाल सुधार गृह में रखा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बालकों और बालिकाओं के लिए अलग अलग उम्र रखी गई है, लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 16 वर्ष तक की आयु बाल सुधार गृह में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोक बोरो किस राज्य की भाषा है, किसी भी राज्य की भाषा के बारे में क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोक बोरो का आपके त्रिपुरा राज्य की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खारची महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, आप देख सकते हैं त्यौहार के बारे में टॉपिक के से बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, तो खारची महोत्सव आपके त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है,
यानी कि आपके नेक्स्ट फेज में आप ये बात ध्यान रख लेना कि जितने भी ग्रुप डी में अभी तक पूछे गए क्वेश्चन वो सभी आप देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आपको पता भी चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक बार बार से रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान में अनुच्छेद 51A आपके मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष के जगन्नाथ मंदिर अधिनियम में संशोधन करने हेतु ओडिशा मंत्रालय ने मंजूरी दी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1954 में संशोधन करने हेतु ओडिशा मंत्रालय ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार किस राज्य में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार आपके झारखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु उद्योग से कौन सी समिति संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लघु उद्योग से आपकी कर्व समिति संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल के 16वें संस्करण में स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का समय कितना कर दिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आईपीएल के 16वें संस्करण में अब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का समय बढ़ाकर 3 मिनट का कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय आपके तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। ये क्वेश्चन भी आपके फर्स्ट फेज में पूछा गया था, हुबहू वापस पूछ लिया गया। संसदीय कार्यमंत्री 2019 में कौन बने थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संसदीय कार्यमंत्री 2019 में प्रहलाद जोशी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय आर्थिक योजना के जनक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय आर्थिक योजना के जनक है सर मोक्ष गुंडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्प एज इंडिया के सीईओ कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हेल्प एज इंडिया के सीईओ है रोहित प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? तो आप देख सकते हो पंचायती राज से किस तरह से क्वेश्चन बार बार बन के आ रहे, तो पंचायती राज मंत्रालय का गठन आपका हुआ 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2022 में बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स टीम के कप्तान कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आईपीएल 2022 में बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स टीम के कप्तान फाफ डू प्लेसिस है। ये कप्तान इसलिए पूछे गए क्योंकि 2022 में नए कप्तान बने हैं, इतने दिन 2021 तक आपके विराट कोहली थे लेकिन 2022 में नए बनने के कारण ये क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साजो त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? त्यौहार से बार बार रिपीट हो रहा है आप देख सकते हो, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साजो त्यौहार आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, LIC के चेयरमैन कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा LIC के चेयरमैन है MR कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो आप देख सकते हो एक ही फेज में ये क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया गया, तो मैंने अभी बताया था मेघालय नागालैंड मिजोरम और नई दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ? आप देख सकते हो बांध किस नदी पर कौन सा बांध है, ये क्वेश्चन आप देख ले, ये टॉपिक नया ऐड हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर बांध आपके नर्मदा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाईमुड़ी पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी पर्वत आपके केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनमोहन सिंह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान वित्त मंत्री थे? यानी कि मनमोहन सिंह वित्त मंत्री भी रह चुके थे, उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा PV नरसिम्हा राव जब भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय भारत के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक किसने जीता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 जो कि अगस्त मंथ में आयोजित की गई थी उसमें रजत पदक नीरज चोपड़ा ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड ने किसको बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद में इंग्लैंड और फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई है? तो आप देख सकते हो मैंने विश्वविद्यालय का पहले भी कहा है कि थर्ड फेज में ऐड हुई है, कोई विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है या फिर कब की गई है, ऐसे क्वेश्चन आपके थर्ड फेज में ही ऐड हुए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 24 तीर्थकर कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म के 24 तीर्थकर महावीर है और प्रथम ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपके 1969 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की तरफ से पहला गोल्ड किसने जीता है? ये क्वेश्चन मैंने आपके राष्ट्रमंडल खेल 2022 का स्पेशल वीडियो लाया था उसमें डाला था क्वेश्चन, तो भारत की तरफ से पहला गोल्ड मेडल जीता था मीराबाई चानू ने। लेकिन अगर गोल्ड की नहीं बात करें, किसी भी पदक की बात करें, पहला किसने जीता वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? ये सेकंड फेज में पूछा गया था
और थर्ड फेज में मॉडल का नाम देकर पूछ लिया गया था कौन सी पंचवर्षीय योजना, और अब वापस से पूछ लिया गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना मॉडल किस मॉडल पर आधारित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पीसी मालानोविश मॉडल पर आधारित है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है मराठी। एंड लास्ट क्वेश्चन, 2022 तक भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2022 तक भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अच्छा लगा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।